भोपाल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। इस दौरान बैंक के फील्ड महाप्रबंधक एसडी माहुरकर ने बताया कि कोरोना को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन के तहत सभी कार्यक्रमों को रखा गया है। इस बार सतर्कता जागरूकता दिवस की थीम सतर्क भारत समृद्ध भारत रखी गई है। देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष माने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस में किया गया। इस मौके पर बैंक के फील्ड महाप्रबंधक एसडी माहुरकर ने बताया कि यह जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाएगा, जहां बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा, इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके साथ ही बैंकों की शाखाओं को वेबिनार के माध्यम से संदेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा, देश में समृद्ध भारत बनाने के लिए देश से भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। इसके लिए लोगों को सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। हमारे साथ हैं फील्ड महाप्रबंधक एसडी माहुरकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दखल न्यूज में। जी नमस्कार। सर, सतर्कता सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है, इसके अंतर्गत सेंट्रल बैंक कैसे ले रहा है इसको? सतर्कता सप्ताह ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के निर्देशानुसार सारे राष्ट्र में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाता है और हम भी इसको पूरे पूरे जोश से मना रहे हैं। इस वर्ष की थीम यह है कि सतर्क भारत समृद्ध भारत, और इस थीम के पीछे का जो मीनिंग है कि अगर भारत में सतर्कता से भ्रष्टाचार कम करने से ही भारत एक समृद्ध देश बन सकता है। तो सर का साफ कहना है कि सतर्क भारत समृद्ध भारत इस बार की जो थीम है उसको हमको पूरा करना है। सर, सेंट्रल बैंक कैसे इस बार, चूंकि कोरोना चल रहा है, लोगों से मिलने की मनाही की गई है, ज़्यादा गैदरिंग की मनाही, तो इस बार सेंट्रल बैंक किस माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को कैसे उनको बताएगा कि ईमानदार रहना है और कैसे लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करेंगे? चूँकि इस वर्ष कोरोना की वजह से हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में और अन्य जगह पे जो गैदरिंग लेकर के सतर्कता अभियान चलाते थे, अब की साल में वो नहीं कर सकेंगे, मगर इसके बदले में हम लोग लोगों को विशेष संदेश एसएमएस द्वारा दे करके तथा कर्मचारियों के लिए एक विशेष प्रतियोगिता मल्टीपल ऑप्शंस दे करके इस विषय में ये चलाएंगे, ताकि द मेन आइडिया इस प्रोग्राम के पीछे है कि इसमें एम्प्लॉयज़ के मन में, इसके बारे में लोगों के मन में सतर्कता के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता निर्माण हो जाए और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो जाए। सर, आप भारत देश को किस तरह देखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देश देखना चाहते हैं कैसे? ऑफ कोर्स, मैं इस भारत देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखना चाहूँगा। ये हमारे प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनका सपना भी था और ये साकार करने में मैं चाहूँगा कि सारे भारतवासी इसका सक्षम तरीके से सपोर्ट करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो जाए और इस भारत को समृद्ध करें। धन्यवाद। तो एसडी माहुरकर जी का साफ कहना है कि भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो भ्रष्टाचार भारत से खत्म करना पड़ेगा, पूरी तरह भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा और लोगों को ईमानदार होना पड़ेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। सालों से हमारी बेटियां जन्म से ही लखपति बन जाती थी, लाडली आती थी, लक्ष्मी लाती थी। 15 महीनों में लाडली से लक्ष्मी ही छीन ली, बेटी को फिर बोझ बना दिया। वो कैसी सोच थी जिसने गरीब को बेसहारा छोड़ दिया, गरीब की बेटी को पालने में ही छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस बाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। वो कहते थे, चार धाम की यात्रा किए बिना कहीं नहीं जाने वाला मैं। सरकार भी तब तीर्थ दर्शन योजना चला रही थी। बहुत ही कम सरकारें होती हैं
जो भावनाओं को भी समझती हैं। जाने की पूरी तैयारी भी थी हमारी, और फिर सरकार बदल गई और तीर दर्शन योजना बंद हो गई। हम बुजुर्गों की आस्था को क्यों कुचला? जे पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।